गाइस, वेलकम बैक टू हिमसला यूट्यूब हीरो चैनल। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब कोई अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो है, आज मैं सिस कास्ट से बिलोंग करती हूँ, यानी कि मैं राभा कास्ट से हूँ। तो हम लोग की राभा ट्रेडिशनल एक राइस कैसे बनाते हैं, तो वो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। मतलब एक ट्रेडिशनल राइस कैसे बनता है वो मामी बनाएगी, तो मैं सारे प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब शुरू कर दीजिएगा। अभी मैं फ़िलहाल गांव में हूँ, तो गांव के बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना, ज़्यादा बर्बरते रहूँगे तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो अभी जा रहे हैं, सारे क्या क्या पहले चाहिए होगा तो सारे डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो की एंड तक बने रहिए। तो गाइस, ये हम लोग का ये छोला है, छूला किचन में। और चावल को पहले ये 2-3 घंटा हो गया है भिगा के रखा है। और इधर ये मतलब चावल को जैसे कि इधर मतलब नीचे चिपक ना जाए, तो इसलिए ये वाला रखा है। और यहाँ एक बाटी रखा है, अभी चावल को ऐसे डालेंगे। और इधर पानी गर्म हो रहे हैं, तो पानी गर्म कैसे हो रहा है, इसको कैसे बनाएगा, तो मैं पूरे प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगी। और इधर मम्मी बना रही है कपड़ा नहीं पहन मतलब वो ब्लाउज नहीं पहन रहे गाइस, अच्छा से मम्मी को बाद में दिखाऊंगी। और ये केला का ये होता है पेड़, केला का पत्ता नहीं है, ये केला का क्या बोलते इसको, केला का जो, अरे कहना क्या चाहते हो, पेड़ से जो साइड में निकलते हैं ना, वो उसको काट लिया गया है, ऐसा बीच में छेद बनाए गए हैं। तो उसको कैसे किया जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। और गाइस, इसको हम लोग बोरा चावल कहते हैं, मुझे कोलकाता में कभी भी नहीं मिला ये चावल, ऑनलाइन में शायद मिलेगा आप लोगों को। लेकिन ये हम लोग का मतलब सबको अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये हम लोगों का ट्रेडिशनल है, सबका अलग अलग तरीका है। तो हम लोग कैसे खाते हैं इसको, मैं उसका प्रोसेस दिखाऊंगी आप लोगों को। ये सारे चावल उठा लिया है यहाँ पर, अभी इधर पूरा पानी गर्म हो गया है, ये आग में ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए ऐसा करके रखेगा अभी, क्योंकि यहाँ से जो भाप आएगा अंदर से, इसलिए छेद बना के रखा, मतलब डायरेक्टली जो क्या बोलते हैं इसको, बुटुआ या हरी जो भी, तो इधर ऐसे रखेगा ताकि भाप को थोड़ा थोड़ा करके मिले यहाँ पे। अभी यहाँ पर केला का पत्ता डाल देगा मामी, केला का पत्ता डलेगा, क्योंकि केला का पत्ता में ऐसे खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये अभी ऐसे ही पूरा चावल को सिद्ध करेगा। अभी यहाँ पर और एक ढक्कन रखा जाएगा ताकि जो सारे भाप जो आप स्टीम कर रहे हैं, सारे स्टीम करके ये सब जैसे बॉयल हो जाएगा, मतलब पूरा प्रोसेस है ये। जैसे चावल बन जाएगा ये कम से कम शायद कितना टाइम लगेगा, मन हम लग बेटा 1 घंटा के बाद हम लोग वापस आके चावल को दिखाएंगे। अच्छा सा खुशबू निकला गाइस, हो गए हैं चावल। अभी हाथ नहीं लगा पाऊंगे, बहुत ही गर्मी है। अभी उतारा जाएगा चावल, बहुत ही वाइट है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। कुछ देर के बाद हम लोग मिलके खाएंगे।
तो गाइस हम लोग का खाना रेडी हो गया। ये मैंने चावल ली हूँ, शायद इतना नहीं खा पाऊँगी, ये चावल थोड़ा कम करके खाना पड़ता है, लेकिन क्या बोले, लालच बहुत दिनों के बाद, मतलब सालों के बाद मैं खा रही हूँ ये वाला चावल। और ये है कद्दू की छिलका का भाजी, और ये है कद्दू का तरकारी मतलब भाजी, और इधर मतलब झोल हो गए। एक्चुअली अच्छा नहीं हुआ, ये तड़का भी नहीं। तो गाइस ये था आज का वीडियो, बहुत ही सिंपल सा है। ये ट्रेडिशनल राइस और सब्जी आप अपना हिसाब से ले सकते हैं। अभी मैं खा लेती हूँ और थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को। पहले सब्जी से शुरू करती हूँ। क्या बोले, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत, मतलब ये जो चावल है ना पूरा चिपक जाते हैं, पीठा या इसका बहुत ही अच्छा लगता है। ये चावल बहुत ही मज़ेदार है, तो अभी खा लेती हूँ। एक कद्दू का छिलका आप लोग खाते कि नहीं, हम लोग खाते हैं, बहुत ही अच्छा बना। मैं रेसिपी शेयर कभी नहीं की हूँ, इसलिए मैं नहीं की हूँ, जस्ट आप लोग को दिखा रही हूँ। तो गाइस अभी मैं पूरा खा लेती हूँ और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो अगर हो सके तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। टाटा, सॉरी मेरा हाथ गंदा है। टाटा बाय।